हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल कीबोर्ड प्रॉब्लम के बारे में। गाइस, अगर आपके भी कीबोर्ड पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे आप उसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, कीबोर्ड नॉट वर्किंग या फिर कीबोर्ड सही से चल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, या फिर हिंदी टू इंग्लिश वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो गाइस सभी को आप ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने वाले हैं। तो गाइस, इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अगर सर्च बॉक्स रहेगा तो यहाँ पर आपको सर्च बॉक्स में क्लिक करके टाइप करना है ऐप। अगर आपके पास देखिए सर्च बॉक्स नहीं रहेगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सर्च करेंगे ऐप तो ऐप लिस्ट ऐप मैनेजमेंट नाम की सेटिंग मिलेगी, इस पर क्लिक कर देना है। या फिर आपको आना है नीचे और यहाँ पर सेटिंग मिलेगी ऐप मैनेजमेंट ऐप मैनेजर, जहाँ पर आपके सभी ऐप्स रहते हैं। तो यहाँ पर करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे ऊपर ऐप लिस्ट पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर सभी ऐप्स शो हो जाएंगे। अब गाइस, यहाँ पर आपको देखिए सर्च बॉक्स में क्लिक करके यहाँ पर आपको लिखना है जी बोर्ड। या फिर गाइस, अगर आपको यहाँ पर सर्च वाला बॉक्स नहीं मिल रहा है तो फिर आपको आना है नीचे जी पर, जहाँ पर मिलेगा देखिए जी पर है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको देखिए क्लियर कैश करना है, फिर आपको यहाँ पर क्लियर डेटा और ओके कर देना है। जैसे ही ओके कर देंगे अब आपको आना है बैक। बैक आने के बाद देखिए अब हम अपने कीबोर्ड को यहाँ से ओपन करते हैं। तो इस प्रकार का है, यहाँ से नो थैंक्स करते हैं, देखिए करते हैं। अब गाइस, यहाँ पर देखिए केवल और केवल हमारा कीबोर्ड इंग्लिश में है, तो अगर आप इसे हिंदी में भी करना चाहते हैं, देखिए बीच में एक सेटिंग का आइकन है टी के ऊपर, इस पर आप क्लिक कर देना। या फिर आप अपने सेटिंग में भी जा सकते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आपको आना है नीचे और गाइस यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी एडिशनल सेटिंग्स, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक और सेटिंग मिलेगी, देखिए कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर जी बोर्ड मिलेगा, देख सकते हैं आप अवेलेबल कीबोर्ड के नीचे। तो जैसे ही जी बोर्ड पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर लैंग्वेज पे क्लिक करना है, फिर आपको नीचे ऐड कीबोर्ड पे क्लिक करना है और अब आपको यहाँ से हिंदी इंडिया पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देखिए हिंदी इंग्लिश सभी यहाँ पर कीबोर्ड आपको मिल जाएंगे, आप सभी पर क्लिक कर देना। देखिए जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्लिक करने के बाद आपको नीचे डन कर देना है। जैसे डन कर देंगे देखिए कीबोर्ड ऐड हो चुका है। अब आते हैं बैक और हम आपको दिखाते हैं। देखिए हमने कीबोर्ड पे क्लिक किया और देखिए बीच में टाइप किया स्पेस पे और हिंदी पे क्लिक किया। अब देखिए जो भी हम लिखेंगे हिंदी में शो होगा, अगर शो नहीं होगा तो आप अपने इंटरनेट को ऑन कर देना देखिए। और अब हम आपको दिखाते हैं हिंदी में होगा। तो जैसे चलिए यहाँ पर मैंने एच लिखा, देखिए यहाँ पर हिंदी में है, देखिए यहाँ पर ए लिखा, देखिए ए भी हिंदी में। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।